नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको गवर्निंग सिस्टम के बारे में जानकारी दूंगा। जितने भी डीजल इंजन होते हैं उनमें सारा गवर्निंग सिस्टम हमारे FIP पंप के साथ जुड़ा होता है। गवर्निंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है कि जब डीजल इंजन या ट्रैक्टर पर अत्यधिक लोड होता है तो वो आवश्यकता अनुसार उस लोड के अनुरूप डीजल सप्लाई को बढ़ा सके, फ्यूल सप्लाई सिस्टम को बढ़ा सके, और जब स्पीड ज़्यादा होती है उस समय फ्यूल को कम कर सके। ये सारे काम हमारे गवर्निंग सिस्टम करते हैं। ये हमारे पास एक इनलाइन पंप है। फ्यूल इनलाइन पंप के साइड में आपको देखो एक और गवर्निंग सिस्टम लगा होता है। ये हाउजिंग कहलाती है, गवर्निंग हाउजिंग। इस हाउजिंग के अंदर ही हमारा गवर्निंग सिस्टम लगा होता है। गवर्नर की अगर हम लोग बात करें तो गवर्निंग सिस्टम में मुख्यतः गवर्निंग वेट होते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करते हैं, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करते हैं। साथ में इसे जब ड्राइव मिलती है वो हमें इंजन के टाइमिंग कवर से मिलती है। आप यहीं पर देखें तो ये पूरा हमारा FIP पंप के बैरल प्लंजर लगे हुए हैं, और यहीं पर नीचे की साइड इसके कैम शाफ्ट लगी हुई है। ये कैम शाफ्ट के आखिरी हिस्से पे हमारे गवर्निंग वेट लगे होते हैं। गवर्निंग वेट मुख्यतः अगर हम लोग देखें तो इस तरह के गवर्निंग वेट होंगे। इसे ये देखिए, ये गवर्निंग वेट होंगे। अब हम गवर्नर की अगर बात करें तो गवर्नर, दो तरह के गवर्नर हम लोग प्रयोग में लाते हैं। एक होता है वायु चलित, जिसको न्यूमेटिक टाइप का गवर्नर कहा जाता है, और दूसरा होता है मैकेनिकल टाइप गवर्नर। न्यूमेटिक जो गवर्नर होते हैं वो हमारे इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड के साथ जुड़े होते हैं तथा इंजन की चाल या ट्रैक्टर की चाल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिससे वह फ्यूल की सप्लाई को कम ज़्यादा करते हैं तथा ट्रैक्टर को बंद नहीं होने देते हैं। साथ में अगर हम लोग मैकेनिकल गवर्नर की बात करें तो मैकेनिकल गवर्नर भी दो तरह के प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला जो गवर्नर होता है वो हमारा होता है कॉन्स्टेंट स्पीड गवर्नर, और दूसरा हमारा होता है वेरिएबल गवर्नर। कॉन्स्टेंट स्पीड गवर्नर का प्रयोग अधिकतर स्थायी इंजनों में किया जाता है, जहाँ पर इंजनों को स्थायी के साथ एक सेम स्पीड पर चलना होता है। जैसे कि विद्युत के लिए जितने जनरेटर सेट चलते हैं उनमें एक सी पावर चाहिए होती है, इसलिए कॉन्स्टेंट स्पीड हम लोग गवर्नर प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा, अगर हम लोग वेरिएबल स्पीड की गवर्नर की बात करें तो वेरिएबल गवर्नर स्पीड जो रहते हैं वो कई जगह प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर को कई स्थानों पर चढ़ना उतरना पड़ता है, मिट्टी के अनुरूप उसे काम करना पड़ता है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। वहाँ पर हमारे वेरिएबल टाइप का गवर्नर हम लोग प्रयोग में लाते हैं। अब आगे काम करें कि ये काम कैसे करता है, तो देखिए काम करने का जो तरीका होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ से इसको ड्राइव मिल रही है और ये गवर्निंग सिस्टम। इस गवर्निंग सिस्टम में ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये वेट जो है वो अंदर बाहर होते हैं, वेट हमारे अंदर बाहर होते हैं, ये इस तरह अंदर बाहर होते हैं। जब ट्रैक्टर पर लोड पड़ता है, जब ट्रैक्टर पर लोड पड़ता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमारे जो गवर्निंग वेट हैं वो अंदर की तरफ जुड़ते हैं, अंदर की तरफ आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण लोड होगा तो ट्रैक्टर की स्पीड कम होगी और वो अंदर की तरफ झुकेंगे। तो यहां पर लगी होती है गाइड स्लिप, स्लिप लगी होती है, और गाइड स्लिप का डायरेक्ट जो कनेक्शन रहता है वो हमारी कंट्रोल रैक से होता है। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको यहाँ का खोल के बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारी कंट्रोल रैक है, ये हमारी कंट्रोल रैक है। कंट्रोल रैक कॉटेंट की सहायता से बैरल प्लंजर को ऑपरेट करती है, जिससे फ्यूल की सप्लाई कम और ज्यादा होती है। देखिए मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूं। गवर्निंग वेट, यहां देखिए गवर्निंग वेट जब अंदर की तरफ जाते हैं तो गाइड स्लीव अंदर की तरफ आती है, जिससे जिससे हमारी कंट्रोल रैक में फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाती है, और जब गवर्निंग वेट बाहर की तरफ फैलना शुरू होते हैं तो कंट्रोल स्लीप बाहर की तरफ आती है और हमारी फ्यूल सप्लाई सिस्टम बढ़ जाता है। इस तरह हम लोग जब ट्रैक्टर पर लोड पड़ता है तो गवर्निंग सिस्टम में जो गवर्निंग वेट होते हैं, फ्लाई वेट जो होते हैं, वो अंदर की तरफ सुकड़ते हैं। जब अंदर की तरफ सुकड़ेंगे तो इससे लगा हुआ स्लीव, गाइड स्लीप भी अंदर की तरफ आएगा। मैं इसे खोलकर आपको पूरा बताऊंगा। ये यह हमारे यहाँ पर गाइड स्लीप लगा हुआ है, ये देखिए गाइड स्लिप भी अंदर की तरफ आएगा। जब अंदर की तरफ आता है तो ये कंट्रोल रैक को, ये हमारी कंट्रोल रैक है, अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो तो ये हमारी कंट्रोल रैक है। कंट्रोल रैक यहाँ से पूरी आई है जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम को कम और ज़्यादा करती है। तो जैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे, ट्रैक्टर पर लोड पड़ेगा तो ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम को ऑटोमेटिक बढ़ा देगी।
ये अभी बड़ी कंडीशन में है, और जब ट्रैक्टर पर लोड नहीं रहेगा, ट्रैक्टर ओवर भागने ओवर रनिंग करने की कोशिश करेगा, तो फ्लाई वेट जो होंगे, ये देखिए ये फ्लाई वेट इस तरह फैलेंगे बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ फैलेंगे तो ये जो हमारी गाइड है ये भी बाहर की तरफ मूव करेगी। बाहर की तरफ जब मूव करेगी तो ये क्या करेंगे, हमारे फ्यूल सप्लाई सिस्टम को कम कर देगी। ये देखिए, मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फ्यूल सप्लाई सिस्टम कम होगा और इसको ऑपरेट करने से, ये देखिए, इसको मैं ऑपरेट करता हूँ, मूवमेंट हो रहा है, इस तरह कंट्रोल, इस तरह गवर्निंग सिस्टम फ्यूल सप्लाई सिस्टम को कंट्रोल कर कर हमारे इंजन पर लोड के अनुसार फ्यूल सप्लाई और ज़्यादा बढ़ने पर फ्यूल सप्लाई को कम करता है। इसे हम लोग यहाँ पर खोल कर भी देख सकते हैं, इसे हम लोग डिसमेंटल करते हैं, तो डिसमेंटल करने के लिए यहाँ पर देखें स्क्रू लगे हुए हैं। हम लोग अभी गवर्निंग हाउसिंग खोल रहे हैं, गवर्निंग हाउसिंग में वेटों को लुब्रिकेट करने के लिए हमेशा ऑयल डालते हैं 20W40, इसकी भी मात्रा होती है, गवर्निंग सिस्टम में हमें ऑयल को डालना चाहिए। और यहाँ से हम लोग इसको खोल कर पूरा बाहर निकालते हैं, ये देखिए, ये गवर्निंग सिस्टम हम लोगों ने खोला, यहाँ से कंट्रोल रैक को हम लोग निकालते हैं, 2 सेकेंड, ये देखिए इस तरह हम लोगों ने निकाला, ये हमारी कंट्रोल रैक है, इस कंट्रोल रैक से हमारी गाइड स्लिप जुड़ी होती है या गाइड कंट्रोल रॉड जुड़ी होती है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम को कम ज़्यादा करते हैं। ये हमारे गवर्निंग वेट को जो ड्राइव मिल रही है वो हमारे टाइमिंग कवर से मिल रही है। ये गवर्निंग वेट जब अंदर की तरफ जाते हैं और हमारी गाइड स्लिप जब अंदर की तरफ आती है तो फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाती है। उसका रीज़न है ट्रैक्टर पर लोड पड़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण गवर्निंग सिस्टम अंदर की तरफ आएंगे गवर्निंग वेट और हमें फ्यूल की आवश्यकता होगी। और जब एक्सिस ओवर स्पीड होती है तो गवर्निंग वेट फैलते हैं इस तरह। जब गवर्निंग वेट फैलेंगे बाहर की तरफ फैलेंगे तो जो हमारी गाइड स्लीव है ये बाहर की तरफ आएगी, इससे अपोजिट काम करते हुए ये फ्यूल की सप्लाई को कम कर देगा। ये देखिए इस तरह ये कंटिन्यू काम करती है। ठीक है दोस्तों, गवर्निंग सिस्टम इस तरह काम करता है, ये इससे फ्यूल सप्लाई सिस्टम को ही कम ज़्यादा करता है। फ्यूल को अगर कम करेगा तो इंजन की स्पीड कम हो जाएगी और फ्यूल को अगर बढ़ाएगा तो फ्यूल की इंजन की स्पीड बढ़ जाएगी। इस तरह ट्रैक्टरों में गवर्निंग सिस्टम वेरिएबल स्पीड टाइप का गवर्निंग सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है। कई लोगों का मानना है कि हम लोग जब एक्सीलेटर को दबाते हैं तो वह डायरेक्ट कंट्रोल रैक के साथ जुड़ा होता है, ये गलत है। कंट्रोल रैक के साथ कभी भी हमारा एक्सीलेटर फुट एक्सीलेटर या हैंड थ्रोटल नहीं जुड़ता, वो हमेशा मैकेनिकल लिंकेज जो हमारी गवर्निंग मैकेनिकल लिंकेज है इनकी सहायता से जुड़ा होता है। और हम जब इसे ऑपरेट करते हैं तो गवर्निंग मैकेनिकल लिंकेज ऑपरेट होती है, उसके आधार पर ही हमारी फ्यूल सप्लाई कम और ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।